हाय एवरीवन, अ वेरी हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। ये वीडियो सभी फीमेल्स के साथ साथ मेल्स के लिए भी हैं जिनके घर पे लेडीज़ करवा चौथ का फास्ट रख रही हैं, बिकॉज आप उनकी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, हाउ यू कैन मेक देम फील स्पेशल, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू ऑल्सो, बिकॉज फीमेल्स तो आपके लिए फास्ट रख ही रही हैं, दे आर ऑलरेडी मेकिंग यू फील स्पेशल, नाउ इट्स योर रोल ऑल्सो टू मेक देम फील स्पेशल। तो आज बात करते हैं टिप्स के बारे में। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, ऑब्वियसली पूछते हैं फास्ट में मैम क्या करें, सर्गी में क्या खाएं, फास्ट खोल रहे हैं तब क्या करें, हेल्दी वे में किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। आई थॉट वाई नॉट मेक अ वीडियो फॉर माई फॉलोअर्स ऑल्सो, ये सभी के लिए हेल्पफुल होगा, ताकि इस बार आप करवा चौथ का फास्ट रख रहे हो तो थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा यूनिक वे में एंड हेल्दी वे में थोड़ा फास्ट रखते हैं। सो अगेन लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले करवा चौथ से एक दिन पहले जस्ट टू इंश्योर आप थोड़ा अर्ली डिनर कर रहे हैं, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे लोग होते हैं जो 50-60 के एज ग्रुप के हैं, जो हमेशा से एक चीज़ करते आ रहे हैं, सो दे ऑलवेज से कि हमारी सर्गी में सुबह फ्राइड भी होता है, स्वीट्स भी होता है, हम तो पूरा यहाँ तक पेट भर जाता है, अच्छे से सर्गी दबा कर खाते हैं। और जो आजकल की हमारी वाली जनरेशन है, सुबह सुबह उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, यंगर जनरेशन के लिए, कि सुबह सुबह उठ के 4 बजे आप सर्गी खा रहे हो, बहुत डिफिकल्ट लगता है, यू डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग। तो अगेन दोनों एक्सट्रीम्स हैं कि आप बहुत ज़्यादा, कई बार कुछ लोग ओवर ईटिंग कर रहे हैं और कुछ लोगों से बिल्कुल नहीं खाया जा रहा है। अब उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? सबसे पहले अर्ली डिनर से शुरुआत करें, कि आप 5-6 o'clock के अराउंड डिनर आपने जल्दी कर लिया एक दिन पहले, उससे क्या होगा, यू विल मेक रूम फॉर हैविंग एन अर्ली ब्रेकफास्ट द नेक्स्ट डे, बिकॉज आपके खाने में अगर 10-12 घंटे का गैप हो गया डिनर में और नेक्स्ट डे सर्गी में, तो डेफिनेटली तब आपके लिए खाना ईजी हो जाएगा, अदरवाइज दैट यूजली बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ईट। जो खाते भी हैं कि हाँ खाते चले जा रहे हैं, बहुत सालों से प्रैक्टिस है, स्टिल डिफिकल्ट होता है वो थोड़े टाइम में इतना सब कुछ खा लेना। सो वो आपका सोल्यूशन सॉल्व करेगा कि वो आपका फास्टिंग विंडो अच्छे से बन जाएगा। तो तब आप जब खा रहे होगे कि आपने इतने दिन नहीं खाया है, अर्ली डिनर कर लिया एक दिन पहले, तो आपके लिए सर्गी सुबह मॉर्निंग में खा रहे हो तो ईजी रहेगा। अब नेक्स्ट बिगेस्ट क्वेश्चन, सर्गी में खाएँ क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप अल्कलाइन चीज़ों से शुरुआत करो, मैं हमेशा ही बोलती हूँ, अदरवाइज ऑल्सो व्हेन यू स्टार्ट योर डे, आप पानी पी रहे हो, वो सब चीज़ें कर रहे हो, सर्गी में भी अल्कलाइन चीज़ों से ही स्टार्ट करो। बहुत ज़्यादा फ्राइड, बहुत ज़्यादा स्वीट्स वो अपनी सर्गी में ज़्यादा इंक्लूड ना करें। अगर आपका रिचुअल है, यू कांट स्टे विदाउट दैट, वो नहीं आप अवॉइड कर सकते, अगेन मॉडरेशन इज द की। मीठा खा भी रहे हो, आप फेनिया खा रहे हो, थोड़ा आप क्वांटिटी में ले रहे हो, भर भर के पूरे बोल्स भर भर के खाना वो कहीं पे भी मैंडेटरी नहीं होता है। सो यू स्टार्टिंग योर डे विद वाटर, उसके बाद आप कोकोनट वाटर ले लें, बिकॉज दैट इज़ वेरी अल्कलाइन, तो आपकी बॉडी का पीएच बैलेंस बनाने में हेल्प करता है, आपका इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस बना रहे थ्रू आउट द डे, बिकॉज इसके बाद आप पूरा दिन ड्राई फास्टिंग करने वाले हैं, उसमें वो हेल्प करता है। उसके बाद फ्रूट से आप दिन की शुरुआत करें, बिकॉज अगेन लाइक आई सेड दैट इज़ अल्कलाइन, आपका पीएच बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करेगा। अनार इज़ वेरी गुड। आप पोमेग्रेनेट लेते हैं तो आप देखते हैं दैट गिव्स यू सटाइटी ऑल्सो, आप उसको अच्छे से च्यू कर रहे हो, प्लस अगेन आप देखते हो कि जिन लोगों को अगर बहुत ज़्यादा फटीग का इशू रहता है कि फास्ट रखते हो पूरे दिन, तो आपको बहुत ज़्यादा फटीग फील होता है, लो फील होता है, जिन लोगों की फीमेल्स के आयरन लेवल्स ऑलरेडी लो है, उस केस में अनार बहुत अच्छा ऑप्शन है। प्लस आप देखते हो और बार बार आपको पूरा दिन प्यास नहीं लगती, अनार उसमें भी हेल्प करता है आपको, कि आपको वो बार बार अगेन आपका थर्स्ट लेवल कम करने में हेल्प करता है। देन आप अपने नट्स लीजिए, आलमंड्स आपने सोक करके एक दिन पहले ज़रूर रखने चाहिए, डेली रूटीन भी आपका होना चाहिए, अगर नहीं है इस दिन तो आप ज़रूर नट्स से शुरुआत करें। तो आप नट्स ले रहे हो, आप आलमंड्स ले सकते हो, उसमें आप कैश्यूज़ ले सकते हो। हेयर आई वॉन्ट टू क्लियर वन मिसकनसेप्शन, कई लोगों को लगता है कैश्यूज़ हेल्दी नहीं है, दैट्स अ वेरी बिग मिसकनसेप्शन। कई लोगों को लगता है कोलेस्ट्रॉल मेरे लेवल्स ना हाई हो जाएं, जो प्लांट बेस्ड चीज़ें हैं वो कोलेस्ट्रॉल नहीं सिंथेसाइज करती हैं, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं, जिस चीज़ में है नहीं वो आपका कैसे बढ़ा देगा। सो अगेन आलमंड्स आप ले सकते हैं, उसी तरह से सीड्स ले सकते हैं, आपको सीड्स की लाइकिंग है, वाटरमेलन सीड्स, पम्पकिन सीड्स, इस तरह के कुछ भी सीड्स की लाइकिंग है वो आप ले सकते हैं। देन ड्राई फ्रूट्स आप इंक्लूड कर सकते हो, कि आपने फिग्स ले लिया, आपने डेट्स ले लिया, इस तरह की चीज़ें आपने ले ली, तो आप देखोगे इवेंचुअली, डोंट हैव इट इन वन गो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इवेंचुअली आप खाते जा रहे हो ड्यूरेशन ऑफ 1-1.5 hours, जल्दी स्टार्ट कर दो, ताकि जब तक आपका टाइम पीरियड खत्म होगा सर्गी का, आप धीरे धीरे खा रहे हो। एकदम से वो नहीं होना चाहिए कि 10 मिनट में आप पूरे मील्स कंप्लीट कर रहे हो, आपने फिक्स ले लिया, डेट्स ले लिया, जस्ट इमेजिन जब इतना सब आप खा रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका मोस्ट ऑफ द स्टमक वुड ऑलरेडी बी फुल, आपको नहीं होगा स्पेस कि हाँ आप बहुत ज़्यादा खा सको, बिकॉज आपने हेल्दी चीज़ों से स्टार्ट कर दिया। सो अगेन आप देखोगे कि इससे एसिडिटी नहीं बनेगी बाद में, आपको गैस्ट्रिक इश्यूज थ्रू आउट द डे नहीं फील होंगे,
अब उसके बाद जो स्पेस बढ़ता है उसके अकॉर्डिंग आप गोभी की जैसे स्टफ रोटी ले सकते हो, जो लोगों को थायराइड है तो अगेन गोभी को थोड़ा सॉटे करके ले सकते हो, चपाती के साथ आप कई लोग आलू गोभी बनाते हैं जो आपका ट्रेडिशनली होता है। अगेन पोर्शन कंट्रोल करते हुए आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस पॉइंट वेरी मच, बिकॉज आप क्या खा रहे हो उससे ज़्यादा मैटर करता है आप कितना खा रहे हो। तो आप वो खा रहे हो जो ट्रेडिशनली बनता है, यू कैन हैव दैट, लेकिन आप मट्ठी ले रहे हो, मीठी वाली भी ले रहे हो, कुछ जस्ट टेस्ट इट। ऐसा नहीं कि आपने पूरा खानी ही है, अब मीठी वाली भी और फीकी वाली भी, फिर आपने फेनिया भी, देन यू स्टार्ट ओवर डूइंग इट। देन कोकोनट स्लाइस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डू हैव इट। कई लोग वो नहीं लेते, मैंने देखा है फीमेल्स, डू हैव इट, बिकॉज उसमें अगेन हेल्दी फैट्स है, एसेंशियल फैटी एसिड्स है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, तो ऑटोमेटिकली वो आपको सटाइटी भी देने वाला है और आपको हंगर पैंग्स नहीं होंगे बहुत जल्दी। तो ये आपने इस तरह से सरगी अपना कंप्लीट किया, आई होप ये टिप्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। अब पूरा दिन कैसे मैनेज करना है उसके ऊपर तरह चलते हैं। अब खाने का आपका तो डिपार्टमेंट खत्म हो गया, अब आप पूरा दिन ड्राई फास्टिंग करने वाले हैं। जस्ट इंश्योर पूरा दिन आप किचन में ही ना लगे रहें कि आप कुकिंग कर रहे हैं और फैमिली मेम्बर्स के लिए, आपका बेटा है, अगर आपका हस्बैंड है, जस्ट इंश्योर आप उनको भी किचन में इन्वॉल्व कर रहे हैं। और इस बार तो करवा चौथ आ भी रहा है संडे को, तो ये तो बहुत ही अमेजिंग चीज़ हो गई है, छुट्टी भी होती है, बीट योर चिल्ड्रन, बीट योर हस्बैंड, तो उनको भी इंश्योर करो कि वो हेल्प करें आपकी, थोड़ा सा किचन में बनाएं। नाउ हस्बैंड्स एंड सन्स डोंट गेट ऑफेंडेड व्हेन आई से, बट किचन इज़ अ प्लेस एट योर होम जहाँ पे जनरल न्यूट्रल रोल्स होने चाहिए। ये डेफिनेशन नहीं होनी चाहिए दैट ओनली अ गर्ल और ओनली अ लेडी इज सपोज टू बी इन द किचन, अगेन वो लाइंस ब्लर्ड हो गई हैं। तो चाहे आपको वो खिचड़ी बना अपने लिए बना रहे हैं, सिंपल सा पुलाव बना रहे हैं, दाल राइस बना रहे हैं, दे मस्ट नो हाउ टू कुक मील्स, आप उनकी ज़रूर हेल्प करें। सो अगेन दैट शुड बी अ फैमिली बॉन्डिंग टाइम, आप इकट्ठे साथ में बैठ के वो टाइम स्पेंड कर रहे हो। एंड आई अर्ज यू नॉट टू हैव अ लॉट ऑफ स्क्रीन टाइम, बिकॉज उससे क्या होता है कि उससे आप जितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम देख रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एग्जर्ट करते हो। हमें लग रहा है कि हमारी एनर्जी लेवल्स नहीं डिप्लीट होते हम, क्योंकि कुछ फिजिकल तो शायद नहीं कर रहे हैं, बट आपके बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल्स डिप्लीट होते हैं आप जितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम देखते रहते हो। प्लस यू माइट बी वॉचिंग समबडी हु इज़ हैविंग अमेजिंग मील्स, कुछ भी आप फूड ब्लॉगर को फॉलो कर रहे हो, अगेन दैट टेक्स अ ट्रोल ऑन योर माइंड, इमीजिएटली यू वुड फील कि आपको क्रेविंग्स हो रही हैं, आपको हंगर पैंग्स हो रहे हैं। सो अगेन ट्राई एंड डाइवर्ट योर माइंड इन समथिंग विच इज़ पॉजिटिव। अब क्या करें, एक्सरसाइज करो, क्योंकि बहुत बार क्या होता है हम लोगों के पास टाइम नहीं होता है, ये बहुत लोगों के पास हमारे पास एक एक्सक्यूज़ होता है। तो अभी तो टाइम ही टाइम है ना, कुकिंग वाला डिपार्टमेंट आपने फैमिली मेम्बर्स को भी बोला कि आप भी खुद अपना खाना बनाओ, व्हेन यू आर नॉट ईटिंग योर मील्स आस्क अदर फैमिली मेम्बर्स टू मेक देयर मील्स ऑल्सो, उनको भी डिफरेंट लगेगा, आपको भी एक वो छुट्टी वाला दिन मिल जाएगा। तो अपने लिए टाइम निकालो, योगा करो, प्राणायाम करो, कुछ भी करो, ऐसा नहीं सोचो कि हाँ मैंने तो पूरा दिन फास्टिंग रखा है तो मैं एक्सरसाइज करूँगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ट्रस्ट मी दैट विल मेक यू फील एनर्जाइज, दैट विल मेक यू फील एक्टिव, ओनली एनर्जी लेवल्स आपके ड्रेनड आउट नहीं होंगे। ऑफ कोर्स ओवर एक्सरसाइजिंग इज नॉट समथिंग दैट आई एम एम्फसाइजिंग कि वो करो, बट मॉडरेशन में आधा घंटा आपने एक्सरसाइज कर लिया, आप योगा कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, कपाल भाती कर रहे हो, अनुलोम विलोम कर रहे हो, तो ये अगेन ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत एग्जॉस्टिंग चीज़ें हैं, बट आप देखोगे कि आपका प्रॉपर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, ब्लड सप्लाई हो रहा है, तो ऑटोमेटिक that uplifts your spirit to carry on the day which is in front of you, which is ahead of you easily, smoothly, वो आपका smoothly दिन जाने लगेगा। तो ये चीज़ें हेल्प करेंगी। जस्ट इंश्योर उसके बाद जब आपका पूजा का टाइम होता है, कथा का टाइम होता है, बहुत लोगों का अलग अलग रिचुअल्स होता है आई नो, और बहुत सारे लोग या तो कॉफ़ी ले रहे होते हैं या चाय ले रहे होते हैं, अगर इस पे डिपेंडेंसी आप हटा सकते हैं वो सबसे बेस्ट है। आप उसकी जगह कोई भी इस तरह का इन्फ्यूज ड्रिंक ले सकते हो कि आपने पानी के अंदर आपने हर्ब्स डाल दिए, जैसे मेरी हर्बल टी की रेसिपी है, आप वो जाके दे सकते हो डिटेल में, वो आप बना रहे हो, उससे क्या होता है वो आपका हेडेक ट्रिगर नहीं होगा, आपको माइग्रेन ट्रिगर नहीं होगा, बिकॉज आफ्टर सो मच आवर्स ऑफ फास्टिंग आप इस तरह की अगर टैनिन जो टी में है या कैफीन जो कॉफ़ी में, इस तरह की चीज़ें ले रहे हो तो ये चीज़ें आप देखते हो ड्यू टू एसिडिटी, आपने इतने दिन नहीं खाया तो आप जब कैफीन का इंटेक होता है तो बहुत लोगों में देखा जाता है कि एसिडिटी बनेगी, माइग्रेन होगा। तो इस तरह की चीज़ अगर आपका ट्रेडिशन अलाउ करता है, ट्राई चेंजिंग दीज थिंग्स। आप जैसे मैंने बताया इन्फ्यूज ड्रिंक ले रहे हो, हर्बल टी, ये सब चीज़ें लोगे, आप देखोगे यू विल फील अ मेजर डिफरेंस। स्टिल आपको क्रेविंग होती है, आपको आदत है बहुत सालों से, उसके बाद आप थोड़ा सा ले सकते हो कि आप चाय ले रहे हो, कॉफ़ी ले रहे हो, जो भी आप लेना चाहते हो, बट जस्ट इंश्योर स्टार्ट आप कथा के टाइम पर इन चीज़ों से कर रहे हो एंड यू विल सी दैट वुड मेक अ मेजर डिफरेंस। उसके बाद अब आप रेडी हो रहे हो, बीच में सब कुछ है, अब आगे आपका फास्ट खोलने का टाइम, व्हेन द मून हैज़ अराइव्ड। अब उसके बाद क्या करें, अब बहुत लोगों का ट्रेडिशन होता है कचौरी बना रहे हैं, इस तरह की चीज़ें होते हैं, पूड़ी बना रहे हैं,
अगेन आई वुड नॉट इंटरफेयर इन योर ट्रेडिशन कि आप वो चीज़ नहीं करो. ऑफ कोर्स इफ़ इट इज़ इन योर हैंड्स यू कैन अवॉइड इट, नथिंग लाइक दैट. बट आप, मैं नहीं कहूँगी कि आप उसको अवॉइड करो, बट अगेन आप टेस्ट करके जो मैं चीज़ें बता रही हूँ उस तरह से फास्ट ज़रूर खोलें. वाटर तो ऑफ कोर्स आपने सबसे पहले ले ही लिया है फास्ट खोलने के बाद. उसके बाद आप कोकोनट वाटर या लेमन वाटर उससे शुरुआत करें, बिकॉज दैट इज़ वेरी एल्कलाइन. तो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस मेंटेन करने में वो हेल्प करेगा कि आप उससे अपना स्टार्ट कर रहे हो अपना खाना. आप कोकोनट वाटर या लेमन वाटर दोनों में से एक चीज़ ले सकते हो. उसके बाद आप सैलड ले लो, स्टार्ट विद रॉ मील, स्टार्ट विद अल्कलाइन मील्स इंस्टेड ऑफ इमिजिएटली हॉगिंग ऑन टू अ कुक्ड मील. आप सैलड ले सकते हो, उसके बाद आप सूप ले सकते हो सीजनल. मैं भी आपको शो करूँगी कि मैं कैसे क्या खा रही हूँ अगेन करवा चौथ के टाइम पर, वो भी मैं आपको विजुअल्स दिखाऊंगी. बट आपके लिए ये छोटे छोटे टिप्स है. वेदर चेंज हो रहा है अब तो ऑफकोर्स सूप लेना बहुत अमेजिंग लगता है. अब ये चीज़ें जब आपने कर ली, यू विल सी मोस्ट ऑफ योर स्टमक अगेन हैज स्टार्टेड बिकमिंग फुल. आपको सटाइटी फील हो रहा है, बट आपको हेडेक नहीं फील होगा, आपको गैस्ट्रिक इश्यूज नहीं फील होगा, एसिडिटी नहीं फील होगा. वाई? बिकॉज यू आर नॉट स्ट्रेट अवे जंपिंग टू समथिंग विच इज़ फ्राइड, या आपको एकदम कुक्ड मील नहीं ले रहे हो. अब आपका ट्रेडिशन कहता है कि आपको पूरी खाना भी है या आपको कचौड़ी खाना भी है, हैव वन और टू बाइट्स, और उसकी जगह पे आप स्टफ रोटी ले सकते हो, आप रोटी ले सकते हो. बट बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है, जैसे मेरे साइड भी यही होता है कि दाल राइस ले रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें आप लेते हो. अगेन दैट इज़ द बेस्ट मील कि आप दाल राइस ले रहे हो, अगेन इन पोर्शन कंट्रोल. ऐसा नहीं कि बहुत भर के खा रहे हैं, एंड ट्रस्ट में इतनी भूख भी नहीं रहेगी आपको जब आप ये सब चीज़ें ले रहे होते हो ना, कि आपने लेमन वाटर या कोकोनट वाटर ले लिया, उसके बाद आप इस तरह से चीज़ें ले रहे हो जैसे मैं बता रही हूँ, तो आपको नहीं एकदम से मन करेगा सूप सैलड लेने के बाद कि आप बहुत लार्ज क्वांटिटी में मील लो. तो उसके बाद आपने ले लिया दाल राइस ले रहे हो या खिचड़ी ले रहे हो, जो भी आपके ट्रेडिशन में होता है, ट्रेडिशनली आप करते आ रहे हो, वो आप चीज़ ले सकते हो. और उसके बाद हो सकता है तो स्वीट्स अवॉइड करें, बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करें. आई नो मेनी पीपल आर आउट देयर, मेरे क्लाइंट्स भी बोलते हैं कि बाहर का प्लान है, संडे है, आई नो हस्बैंड्स फ्री होंगे, बट इफ़ यू वांट टू पैम्पर योरसेल्फ, जस्ट इंश्योर आप घर का ही खाना खा रहे हो. बाहर का खाना खा के अगेन हैवी खा के आपको ही डिस्कम्फर्ट होने वाला है, आपको ही अनइजीनेस होने वाला है. तो घर का खाना खाएं एंड एन्जॉय योर डे. आई होप दीज टिप्स आर यूजफुल फॉर यू, एंड हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू. एन्जॉय योर डे, मेहंदी इन्जॉय करो, अच्छे अच्छे मील्स इन्जॉय करो, खूब इन्जॉय करो, कपड़े पहनो. एंड आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल. कीप शेयरिंग विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, बिकॉज सभी के लिए यूजफुल रहेंगे टिप्स.